हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए, इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 7 चैन बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, 7 चैन बुन ली है मैंने। अब हम इसका एक रिंग बनाएंगे इस तरह। और देखिए, 3 चैन बुनेंगे। 1, 2, 3। अब देखिए, डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1, 2 और एक चैन मिला के 3 हो गए। अब देखिए, 3 चैन बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर इसी रिंग में हम डबल क्रोशिया से 3 बार बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर देखिए, 1, 2, 3। फिर डबल क्रोशिया से 3 बार बुनेंगे। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 3 चैन, डबल क्रोशिया से फिर 3 बार बुनेंगे। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और बुनेंगे। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो इस तरह बुनी जाएगी। ये देखिए, मैंने डबल क्रोशिया से 3-3 बार बुना है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से ये 6 बन गए हैं। अब देखिए, इसके सेकंड रो जो बुनेंगे, देखिए सेकंड रो एक बार लेंगे। अब इस वाली जाली में डबल क्रोशिया से 3 बार बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर 1, 2, 3। 3 चैन, फिर इसमें 3 बार बुनेंगे डबल क्रोशिया से। 1, 2, 3। फिर देखिए, 1, 2, 3, 4। 4 चैन एक बार लेंगे और इस वाली जाली में डबल क्रोशिया से 1 बार बुनेंगे। फिर 1, 2, 3, 4। 4 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और इस वाली जाली में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 2, 3। 1, 2, 3। फिर इसी में दोबारा से बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर देखिए, 1, 2, 3, 4। 4 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और इस वाली जाली में डबल क्रोशिया से 1 बार बुनेंगे। फिर 1, 2, 3, 4। फिर देखिए, इस वाली जाली में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1, 2, 3। 1, 2, 3। फिर इसी में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो इस तरह बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये पट्टी इसी तरह बनती जाएगी और ये पट्टी इस तरह बनेगी और ये पट्टी इस तरह यहाँ डिज़ाइन बनेगा। तो अब देखिए, हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो बुनेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स, हम इस तरह से 3 बार बुनेंगे डबल क्रोशिया से। 1
दो, तीन, एक दो तीन, फिर इसे मैं बुनेंगे। ये हर बार हम इसी तरह बुनेंगे, इसे दो तीन, देखिए इस तरह बुन ली। अब क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए इस वाले जाले में हमने इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। देखो थोड़ा बड़ा सा फंदा, एक दो तीन चार और ये पांच हो गए। पांच के बाद देखिए एक बल लीजिए, अब ये जो है इसके यहाँ पर इसके बीच में यहाँ एक बार इस तरह करिए, फिर देखिए इस वाली जाली में पांच बार, एक दो तीन चार पांच, और अब देखिए इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह। देखिए फिर आपने एक दो तीन चार पांच, पांच चैन बुनेंगे और देखिए इस वाले यहाँ इस तरह से बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर देखिए इसी में हम दोबारा से इस तरह बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर देखिए इसी में हम इस तरह दोबारा से बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बार लेंगे और इस पट्टी को इसी तरह बुनेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, ये हमारी थर्ड रो है, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, चार चैन एक बल और इसमें पफ स्टिच बनाएंगे बड़ा सा, एक दो तीन चार पांच, एक बल लेके इसके बीच में एक बार इस तरह बनाएंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार पांच और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह, फिर एक दो तीन चार पांच, यहाँ यहाँ हमने सिंगल क्रोशे से इसे इस तरह ज्वाइंट करना है, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर सिंगल क्रोशे से इसमें ज्वाइंट करना है, फिर देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर सिंगल क्रोशे से इसी तरह ज्वाइंट करना है, इस तरह से ये इस तरह से बनेगा, फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बल और इस पट्टी को इसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन, तीन के बाद देखिए एक दो तीन, तीन चैन तीन बंद, फिर से तीन बार बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कंप्लीट हो गई, अब फोर रो बुनेंगे। देखिए तीन चैन बुनने के बाद इस पट्टी को ऐसे ही बुनेंगे, डबल क्रोशे से तीन बार, फिर बीच में तीन चैन, फिर डबल क्रोशे से तीन बार, देखिए इसी तरह बनती जा रही है, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन, इसके बाद देखिए इस जाली में डबल क्रोशे से यहाँ बनाइए, एक बार बुन लिया, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन एक बार लीजिए और ये देखिए जो आपने बनाए थे पीकुट, इसमें आपने ये जो ये फर्स्ट छोड़ के सेकंड में यहाँ डबल क्रोशे से आपने एक बार बुनना है, फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बार लेंगे और देखिए इस वाली जाली में डबल क्रोशे से बुनेंगे,
इस तरह से देखिए ये हमारे एक दो तीन हो गए, एक दो तीन चार। और देखिए ये जो पट्टी चल रही है इसको इसी तरह डबल क्रोशिया से तीन बार, एक दो तीन, फिर एक दो तीन डबल क्रोशिया से तीन बार, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, एक बार लेंगे इसमें बुनेंगे, एक फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बार लेंगे और इस वाले में देखिए इसे छोड़ के सेकंड में यहाँ डबल क्रोशिया से एक बार बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर देखिए इस वाली जाली में यहाँ एक बार बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बार लेंगे इस पट्टी को इसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, सॉरी तीन बुनेंगे, फिर इसमें दोबारा से तीन बार बुनेंगे, एक दो तीन, उसके बाद एक दो तीन चार। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो इस तरह से बनेंगी। और फिफ्थ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर रो हमारी इस तरह से बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स इस पट्टी को इसी तरह बुनेंगे डबल क्रोशिया से, एक दो तीन, तीन चैन, एक दो तीन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, चार चैन बुनिए, एक दो तीन चार, एक बल लीजिए और देखिए इस जाली में फर्स्ट वाली जाली में एक पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए, एक बल लीजिए और ये देखिए इसके ऊपर आपने एक बार इस तरह से, फिर इस वाली जाली में भी पाँच बार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार के बाद देखिए इन सबको एक एक साथ बुन देंगे इस तरह से, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर सिंगल क्रोशिया से इस तरह बनाना है, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर सिंगल क्रोशिया से, यानी कि इसमें आपने तीन बार इस तरह से बुनना है, ओके एक दो तीन, इसके बाद देखिए एक दो तीन चार, एक बार लेंगे, फिर देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है इसमें बुनने के बाद, चार चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स एक बार लेंगे और देखिए इस वाली जाली में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और एक बार लेंगे और देखिए यहाँ पे एक बार बनाएंगे इसके ऊपर एक, फिर इस वाली जाली में एक दो तीन चार पाँच, और अब इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पाँच, सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच सिंगल क्रोशिया से, फिर इसे ज्वाइंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच सिंगल क्रोशिया से, फिर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स पहले ये एक था, अब ये देखिए यहाँ दो बन गए हैं इस तरह से, फिर आपने देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुन ली और यहाँ आपने ये पट्टी जैसे शुरू से बना रहे हैं इसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो
तीन तीन चैन, फिर इसी में डबल क्रोशिए से तीन बार बुनेंगे। फिर इसके बाद एक दो तीन चार, चार चैन एक बल, इस वाली जाली में पफ स्टिच बनाएंगे। एक दो तीन चार, ये पांच, फिर एक बल लेंगे और देखिए यहाँ इसके ऊपर एक बार पफ स्टिच का एक बार बुनेंगे इस तरह से। अब इस वाली जाली में एक दो तीन चार पांच और इस तरह से एक दो तीन चार पांच। फिर यहीं आपने इसको जॉइंट करना है, एक एक दो तीन चार पांच, फिर इसी में आपने इसको जॉइंट करना है, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर इसी में जॉइंट करना है। एक दो तीन चार, फिर आपने इस वाले जाली में देखिए यहाँ फिर से पफ स्टिच बनाना है। एक दो तीन चार पांच, एक बार लीजिए, एक बार इसके ऊपर इस तरह से एक बार बनाइए, फिर इस वाली जाली में पांच बार, एक दो तीन चार पांच, इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह। फिर एक दो तीन चार पांच, सिंगल क्रोशिए से जॉइंट करिए। एक दो तीन चार पांच, पांच चैन, सिंगल क्रोशिए से जॉइंट करिए। एक दो तीन चार पांच, सिंगल क्रोशिए से जॉइंट करिए। फिर चार चैन बुनिए, एक दो तीन चार, एक बल लीजिए और इस पट्टी को इसी तरह बुनिए। एक दो तीन, एक दो तीन, फिर दोबारा से तीन बार और बुनिए। एक दो तीन, फिर एक दो तीन, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है इस तरह से। बस फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, देखिए ये पट्टी आपने इसी तरह चलानी, ये ऊपर तक ऐसी ही चलती जाएगी और ये वाली पट्टी भी ऐसे ही चलेगी और इधर की पट्टी भी ऐसे ही। अब आप इसे बड़ा करेंगे तो देखिए ये पहले एक था, फिर ये दो हो गए, फिर आप एक जाली यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ, फिर एक यहाँ यहाँ, तो यहाँ अभी इसके ऊपर तीन फूल बनेंगे, फिर चार फूल बनेंगे, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। बस आपने सेकंड और थर्ड इन्हीं टू रो को रिपीट करना है और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा वर्क अच्छा लगे, क्रोशिया वर्क, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।